नमस्कार दोस्तों, मैं दुलार चंदा स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन गार्जियन भी आप लोग अगर देखते हैं तो आप स्टूडेंट्स को बतलाइए और आपके जो भी रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल में है तो उसको बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली मैं आज मैथ के बारे में कुछ पॉइंट्स बतलाना चाहता हूँ। मैथ काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हम लोग सबको जानते हैं, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कह सकते हैं कि या तो ये सबसे आसान सब्जेक्ट है या फिर ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है। काफ़ी सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, और कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि उसमें वो एक इजी सब्जेक्ट है और उसमें काफ़ी सारा नंबर लाया जा सकता है। और एक्चुअली ये सही चीज़ है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी नंबर लाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को मैथ को किस रूप से हम लोग तैयारी करेंगे, क्या ट्रिक्स अपनाएंगे, क्या योजना, क्या प्लान बनाएंगे इसके लिए, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक तरफ मैथ हो गया और एक तरफ बाकी सब्जेक्ट, इस तरह से लोग पढ़ाई करते हैं। मैथ को हर रोज पढ़ाई करना है और बाकी सब्जेक्ट को भी करना है, उसको बीच बीच में हम छोड़ सकते हैं, एक दो दिन का गैप ले सकते हैं, लेकिन मैथ को जब तक कोई सीरियस केस ना, आपका कहने मतलब है जब तक आप इम्पोर्टेंटली कहीं बिजी नहीं हो जाते हैं तब तक आप मैथ को नहीं छोड़ सकते। पर डे आपको मैथ में कुछ पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है। तो मैंने इसके लिए कुछ लिस्ट बनाया हुआ है, आइए उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बतलाता हूँ क्या है कि मैथ से कभी डरना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही मैथ का नाम सुनते हैं या मैथ को देखते हैं या पता चलता है कि अब मैथ का पीरियड है, मैथ पढ़ना है, तो उसको टेंशन हो जाता है कि अब क्या होगा। इस तरह का थिंकिंग रहता है कई सारे बच्चों में, मैं खुद देख चुका हूँ। उसके बाद हो गया कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, सही बात है। मैथ जब आप पढ़ने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उस समय आप नर्वस हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैथ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली बच्चे इस तरह का सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा, इसीलिए वो नर्वस होते हैं। इंटरेस्ट लेना है मैथ में। मैथ कई सारे बच्चे होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि किसी तरह से ये निकाल देना है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर मैथ आपसे नहीं बनेगा, या फिर मैथ में आप सीख नहीं पाएंगे। बना तो लेंगे आप किसी तरह से, इधर से उधर करके। आज तो आजकल जो है इंटरनेट पे काफ़ी सारा सोल्यूशन मिल जाता है, यूट्यूब में आप लोगों को जो भी वीडियो, जो भी मैथ चाहिए वो सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन सीखना मुश्किल है। आप उसको बना सकते हैं, सीख नहीं सकते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट इसमें लेना है। उसके बाद हो गया स्पेशली मैथ को 1 आवर, 1 घंटा टाइम देना ही देना है। अदर सब्जेक्ट को 1 घंटा टाइम दीजिए और मैथ को स्पेशली 1 घंटा टाइम दीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको मैथ में कई सारा चीज़ समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, 1 आवर उसी के लिए टाइम लगाना है कि आखिर वो कैसे बना। इसके लिए सोचना है, जांच पड़ताल करना है, एनालाइज करना है उस पर, और उसको रिवाइज करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है रोजाना रिवाइज करना है। बिल्कुल वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एनालाइज करना है और डेली रिविजन, जो हमको हार्ड लगता है जो क्वेश्चन उसमें, उसको डेली रिविजन करना है। उसके बाद हो गया कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि सॉल्व नहीं होता, कई बार हम उसको सॉल्व कर चुके हैं लेकिन फिर जब हम बनाने के लिए जाते हैं फंस जाते हैं, नहीं होता, तो वैसे स्थिति में आप परेशान नहीं होना आप लोगों को, वैसे स्थिति में कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरा चीज़ पढ़िए या फिर दूसरे जगह टाइम दीजिए, उसको अभी उस पर दिमाग मत लगाइए। कई बार मैथ बनाने के दौरान, बिल्कुल कई बार मैथ जब आप बनाते हैं तो उसके दरमियान भूल जाते हैं, या फिर टीचर भी कभी कभी ऐसा होता है टीचर भी भूल जाया करता है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं समझना कि हम नहीं जानते हैं या टीचर नहीं जानता है, वैसा नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वैसा कोई बात नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छा से अच्छा टीचर टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो जानता है, बना चुका है, कितनी बार बना चुका है, मैं भी बना चुका हूँ, इस तरह का केस होता है, आप बना चुके हैं लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका आया और वहाँ पे फंस गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, आप जानते हैं, हो सकता है उस समय कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से फंस गए। आप जिस मैथ को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसको आप टीचर से दोबारा पूछिए। कई बार होता है कि टीचर बतला दिया, कई सारे बच्चे होते हैं, सारे बोलते हैं कि समझ गए और आपको समझ में नहीं आया,
तो आप क्या होता है कि ग्रुप में जो बच्चे बोल रहे हैं हाँ समझ गए हैं, तो आप भी बोलते हैं हम भी समझ गए हैं। एक्चुअली होता है कि आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप नहीं पूछते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है। वैसी स्थिति में बच्चों से, टीचर से पूछना है। कई बार बच्चे होते हैं ना वैसा सोचते हैं कि चलो दूसरा फ्रेंड जो है उससे पूछ लेते हैं। आप अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप टीचर से एक बार दो बार पूछ लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। कई बार बच्चे इसलिए भी नहीं पूछते हैं कि उनको लगता है कि हमको यह समझ में नहीं आएगा, अगर हो सकता है हमको समझ में नहीं आया तो इंसल्ट होगा, इसलिए भी नहीं पूछते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, आप एक बार दो बार तीन बार इतना पूछ सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा होता है तो फिर इरिटेट होने लगता है, टीचर भी गुस्सा होने लगते हैं, इसीलिए उससे ज़्यादा नहीं पूछना है। हाँ, इसलिए परेशान ये नहीं होना है कि अभी समझ में नहीं आया फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, वैसा नहीं है, अभी समझ में नहीं आया बाद में समझ में आएगा। याद रखिए कि मैथ को सीखने के लिए पढ़ना है, पढ़ के किसी तरह से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर हो गया, प्रॉब्लम ये जो क्वेश्चन हार्ड है उसको सॉल्व कर लिए, अब उसको क्या करना है, अब किसी तरह से पार हो गया आप छोड़ देना। तो पास होने के लिए नहीं पढ़ना है कि किसी तरह से हम क्लास पास हो गए चलो टेंशन खत्म, पास होने के लिए नहीं पढ़ाई करना है, उसको सीखने के लिए पढ़ना है, उसको जानने के लिए पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के साथ मैंने देखा है वो इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि उसके साथ और कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो लड़कियां जो पढ़ती है उसको लगता है कि मेरा समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों की समझ में आ रहा है, और अगर मैं पूछूंगा तो बेइज्जती हो जाएगा लड़कियों के सामने, इसीलिए वो नहीं पूछते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि लड़कियां भी ऐसा सोचती है कि लड़के लड़कों के सामने हम लोगों की बेइज्जती हो जाएगी, उन लोग भी नहीं पूछते हैं। तो ना लड़के को ऐसा सोचना है और ना ही लड़की को ऐसा सोचना है, क्योंकि वहाँ कोई विद्वान नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में वहाँ कोई इज्जत और बेइज्जत वाली बात कोई नहीं है, आप सीखने गए हैं इसीलिए ऐसा सोचना नहीं है। इसके अलावा मैथ नहीं बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, हो सकता है गलती हो जाएगा, गलती होने का डर, गलती होने का डर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मैथ पढ़ते नहीं हैं। गलती हो जाएगा तो क्या हो सकता है, सोचिए इसको जो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो सकता है तो किसका गलती नहीं हुआ है। इतने बड़े बड़े जो टीचर बने हुए हैं मैथ के, या फिर मैं खुद खड़ा हूँ तो मैं सारा मैथ तो नहीं जानता, अगर मैं सारा बनाने के लिए अगर और हार्ड हार्ड क्वेश्चन को अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या गलती नहीं होगा, मुझसे भी गलती होगा। तो गलती से कभी मत डरिए, गलती होगा, जिसका गलती हुआ है उसी का सही हुआ है वही सीखता है, इसीलिए गलती से डरना नहीं है। इस तरह इतने सारे पॉइंट जो मैंने बतलाए, अगर इसको आप लेके चलते हैं तो मैथ आपको कभी परेशान नहीं करेगा और मैथ जो है इजीली आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और फिर से एक इसी तरह की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।